नमस्कार ये आ, कयास लगाया जा रहा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरिट पे भी एडमिशन कर सकता है क्योंकि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित कोई अपडेट नहीं आई है तो मैं आपको बता दूं कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी अभी बीएड का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर थोड़ा व्यस्त था क्योंकि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश का जो भी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन था वो एल को ही कराना था अब हालांकि एल यू फ्री हो गया है तो उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया बना रहा है प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने की योजना बना रहा है ये माई सिटी रिपोर्टर या दैनिक जागरण या हमारे डाला या हिंदुस्तान या और भी जो भी टाइम्स नाउ नेटवर्क इन सब ने ये रिपोर्ट प्रकाशित करी है लगभग लगभग तमाम सारे वेब पोर्टल्स पर इससे मिलती जुलती आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी तो इसमें ये लिखा हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश परीक्षा यानी बी ए बी एस सी बी कॉम बी बी ए बी सी इन कोर्सेज़ के लिए बी एल एल बी वगैरह इन कोर्सेज़ के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्रवेश परीक्षा 23 से 29 अगस्त के बीच होना प्रस्तावित है स्नातक व परास्नातक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की आखिरी तिथि शनिवार को समाप्त हो गई है अब जाके ये लास्ट डेट बीती है नहीं तो एल ने सात तारीख तक बढ़ा दी थी लास्ट डेट आपकी एक्सटेंड कर दी थी तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए पहले ही पैटर्न जारी कर दिया ये बात इसमें लिखी हुई है और, और आगे यह भी लिखा हुआ है कि स्नातक प्रवेश परीक्षा 23 अगस्त से शुरू करने की तैयारी है जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा हालांकि जो इसकी पूरी डेट सीट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स वगैरह अभी डिक्लेयर नहीं करी गई हैं लेकिन लाइकली ये है कि 23 से 29 अगस्त तक हो जाएगा ये टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क आल्सो हैज़ रिटेन अ रिपोर्ट विद द हेडलाइन लखनऊ यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट लाइकली फ्राम अगस्त ट्वेंटी थर्ड टू ट्वेंटी नाइन्थ ऑन कैंपस हाँ ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए यू शुड माइंड दैट ये एंट्रेंस एग्जामिनेशनस सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में होते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के तो ये भी तमाम सारे क्वेश्चन आए थे तो इस बार तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कैंपस में ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा अगर विस्तार से हम आपको ये रिपोर्ट पढ़कर सुनाएं तो Uh, here uh, it is mentioned that sixty thousand applies for undergraduate and postgraduate courses, and uh, let me tell you one record that last year there were uh, almost forty-five to fifty thousand applications for admission. But uh, this year the applicants' number have been increased. So in this report, it is mentioned that Lucknow University is likely to conduct its undergraduate entrance test from August twenty-third to twenty-nine. The university on Saturday closed the window for submission of admission form for undergraduate and postgraduate courses. Over 60,000 applications have been received for using and PC courses. The interest test will be 100 multiple choice based questions of two marks each. There will be no negative marking and the candidates will have complete their examination in 90 minutes. तो ये आ, उस बारे में डिटेल्स है और वही चीज़ें विस्तार से लिखी हुई हैं अभी अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो कालीचरण पीजी कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं दिस इज़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लखनऊ एफिलेटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी तो ये भी बढ़िया कॉलेज है तो तमाम सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आपको अलग अलग कॉलेजेस में नहीं देखने को मिलेंगे इवन एल में भी आपको कुछ कोर्सेज नहीं मिलेंगे जो कालीचरण पीजी कॉलेज में मिल जाएंगे बाकी आप खुद ही समझदार हैं अपने हिसाब से देख लीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करिए मेरिट के सहारे मत रहिए उस दुविधा में मत पड़िए आप क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस पर ही एडमिशन होना है टेस्ट होगा उसी के बेसिस पर एडमिशन होगा मैं इसके पहले भी एक दो वीडियोज़ में क्लियर कर चुका हूँ स्टे टून रही है एल से जुड़ी हर सही और सटीक जानकारी अगर सच में कोई जानकारी रहती है तो हम आप तक अपडेट देते हैं बना के खुद से जानकारी आप तक नहीं पहुँचाते धन्यवाद नमस्कार